शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नरगिस है नवाब जान की छोटी बहन जिसकी दिलरुबा आवाज और जिसके घूंघरों की झंकार ने एक धूम मचा रखी है। कितने दिल हैं जो इसकी ठोकरों में तड़पते रहते हैं और ये उन पर लापरवाही से नाचती रहती है। मगर ये कौन है जिसके आते ही नरगिस अपने इस नापाक माहौल में मुरझा कर रह जाती है। इसकी रूह फरियाद करने लगती है, शहाब मुझे यहां से ले जाओ। और शहाब की आंखों में तड़पता हुआ इसे यकीन दिलाने लगता है, हाँ नरगिस, इन बदनाम महफिलों में पिघलती हुई इस शमा को मैं यहां पिघलने नहीं दूंगा। एक रात मैं आऊंगा और तुम्हें इस दोजख से निकाल ले जाऊंगा। आखिर वो रात आ गई
वादे की रात, जिसके इंतजार में नरगिस अपनी हर बेचैन रात अपनी ख्वाबगाह के झरोके में खड़े खड़े गुजार देती थी। नरगिस, नचो, कुछ कहो, शाब, तुम सचमुच मौजूद हो ना? हाँ नचो। और मैं तुम्हारे पास हूँ। हाँ नचो, तुम मेरे पास हो। अब तुम मुझे अपने घर लिए जा रहे हो। तुम्हारा घर किसी बहुत ऊंची जगह पर है, बिल्कुल सफेद, और मैं लाल चूड़ा पहने तुम्हारी दुल्हन बनी हुई उस घर के किसी दलान में डोली से उतर रही हूँ। बेगैरत, एक तोयफ को ब्याह कर इस घर में लाने की तुझे जरूरत कैसे थी? बाबा, ऐसे नापाक अल्फाज आप इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते जो मेरी मासूम मोहब्बत है और आपके खानदान की बहू है। खामोश, ये बाजारी गाली तुम हमारे खानदान को नहीं दे सकते। ये हमारी बहू नहीं, तुम्हारा गुनाह। अल्लाह, ठहरना भैया, ठहरना। कहाँ जाइएगा दीदी जी? मुझे किसी कब्रिस्तान ले चलो। बेचारी नरगिस डोली से उतरकर मौत के इस भयानक जंगल में अकेली खड़ी रह गई है। इसके सारे अरमान, सारे ख्वाब इसे यहां बेसहारा छोड़कर वो जा रहे हैं। सहाब अपनी मजलूम दुल्हन और अपनी लुटी हुई मोहब्बत की तलाश में
न जाने किन किन बाजारों की खाक छान पा कर रहा है। नरगिस से किए हुए शहाब के सब वादे अब इसके दुश्मन बन गए हैं, जो इसे यहां वहां भटका भटका कर अपनी जिल्लत का इंतकाम ले रहे हैं। ये कंगन किसका है? क्या बात है? ये हमारा है। तुम्हारा? हाँ, ये हमारा ही है। पर ये तो किसी और का है। किसका? क्या नाम बताऊं उसका? अल्लाह जाने कौन दुखियारी है वो। 10 महीने से हमारे कब्रिस्तान में आ पड़ी है। कहां से आई है? क्या उस पर बीती है? कुछ नहीं बताती। अल्लाह जाने किसका गम है जिसमें रोती भी नहीं और चुपके चुपके मरती जा रही है। उस कम नसीब के बाल सुनहरे तो नहीं है? हाँ, सुनहरे ही तो है। मुझे उसके पास ले चलो। वो नामुराद मेरी बहन है। अपने भोलेपन की इतनी कड़ी सजा किस तरह काटी होगी तूने? किस तरह मौत के सुनसान वीराने को सहा होगा? कितना रोई होगी तू? कितना रोई होगी? Thank you.
का कुछ सामान भी है, इसे तुम बेच डालना। मास्टर जी, क्या है? वो किताब मिल गई जिसकी आपको तलाश थी। अच्छा, मिल गई। लाइए दिखाइए। कहिए क्या दे दूं? अजी मुझे तो दुआने में पड़ी है, आप जो चाहे दे दीजिए। अच्छा, ये लीजिए। ओहो, ये किसका खत है जो अपने पते पर नहीं पहुंचा? तो अब आप इसे पहुंचाने भी जाएंगे? क्यों नहीं, ये तो बड़े सवाब का काम है। जरूर पहुंचाऊंगा। मेरे सरताज, इतनी अच्छी मेरी तकदीर न थी कि तुम्हारे दरवाजे से मेरा जनाजा निकलता और तुम मुझे अपना कंधा देकर कब्रिस्तान पहुंचाते। लेकिन मुझे जीते जी तुम्हारे घर से निकलकर खुद ही अपने लिए कब्रिस्तान ढूंढना पड़ा। आज मैं तुम्हारी इस नाइंसाफ दुनिया से जा रही हूं। ये खत तुम्हें कल मिल जाएगा, इसे पढ़ते ही यहां चले आना और मेरी सुनसान गोद से इस बेकसूर बच्चे को ले जाना जो तुम्हारी बेटी है। हमारी मुलाकात अब कयामत के दिन होगी। खुदा हाफिज़ तुम्हारी बीमार नरगिस। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी एक बेटी भी तो थी। हाँ थी, मगर उसको तो उसकी खाला ले गई थी। खाला? किसी और पर जमाना, तू मुझे नहीं जानता, मेरा नाम भी नवाब जान। अगर फिर कभी इस कोठे पर कदम रखा तो टांगे तोड़वा दूंगी। वो शहाबुद्दीन साहब है जो आपको नीचे बुला रहे हैं। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं शहाबुद्दीन हूँ। अच्छा, तो आप शहाबुद्दीन हैं, मेरे बहनोई। कहिए फिर कैसे आना हुआ?
अब किस गुनाहगार की तलाश है आपको? अब किस तवायफ को दोजख की आग से बचाने के लिए परहेजगारी का कफन लेकर आए हैं आप? नरगिस ने मरते दम मेरे नाम एक खत लिखा था जो 17 साल बाद मुझे मिला है। उसमें मेरी बेटी का जिक्र है। मुझे मालूम हुआ है कि वो यहां है। तो आप उसे देखने आए हैं? मैं उसे ले जाने आया हूं। अच्छा, तो आप ले जाने आए हैं। किसी कब्रिस्तान ने अब इसके जनाजे की फरमाइश की होगी आपसे। अच्छी बात है, ले जाइए, आपकी बेटी है, मैं कैसे मना कर सकती हूँ। लेकिन इस वक्त तो वो मुजरे के लिए बैठ चुकी है। और फिर खुलेआम इस बदनाम बाजार से बेटी को ले जाना यूं भी आपकी गैरत के खिलाफ है। कल सुबह आइएगा। चलो। लोगों ने ले ली नाडू पट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने।
पहलवान, यहाँ ताला क्यों पड़ा है? कब गए? तड़का होते ही गए हैं। कुछ मालूम है कहाँ गए? पास्ता एक मुनेर से उड़ी है, फिर किस मुनेर पे बैठती है किसे मालूम। चलो। अरे पान दे। अरे ओ मुछड़, रोज मुफ्त के पान चबाता है तो ये मुझे भी तो नीची कर। बदल कर फकीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। साहिबजान आप आई हैं।
अम्मा अम्मा खाला जान आई है। आदा जीती रहो। हाय पापा। अब तो बहुत अच्छा रहेगा। आदाब पापा जान, खुश रहो। आओ। खैरियत तो है? शद्धन, जरा पानी पिलाना, ठंडा। ठंडा ही है। इधर, अच्छा इधर ले आइए। बिब्बन नजर नहीं आती, कहाँ है? वो तो बीमार पड़ी है। क्या बिब्बन बीमार है? हाँ। बिब्बन, बिब्बन। साहिबजान, तू कब आई? अच्छा, क्या अकेली आई है? नहीं, खाला जान के साथ आई हूँ। तबीयत क्या खराब है तेरी? हट बे मुरब्बत, मैं कितने खत लिखती हूँ और तू महीनों बाद किसी एक का जवाब देकर टाल जाती है। दिल्ली वाले बेवफा होते तो नहीं है? तू कहां से पैदा हो गई उनमें? नाराज फिर हो लेना, अगले चार आराम से। मगर ये अचानक आना कैसे हो गया? खत न कोई तार। मालूम नहीं, लेकिन परसों रात खाला जान को किसी ने कोठे से नीचे बुलाया, फिर जो लौटी तो परेशान थी। अब मैं किसी बाजार में तो उसे लेकर बैठ ही नहीं सकती। ढूंढ ली जाऊंगी, कहीं अलग कोई हवेली मिल जाए तो फिर ये धड़का जाता रहे। हाँ हाँ, हवेली मिल जाना क्या मुश्किल है? अब नवाब हशमत शाह का गुलाबी महल, जो उन्होंने गौहर जान को बख्श दिया था, वही मिल सकता है। ए बाजी, मेरी इतनी हैसियत कहाँ है कि मैं नवाब हशमत शाह का गुलाबी महल खरीदूंगी? वो तो गुजर गए, और गौहर जान गले गले तक कर्जों के अंबार में धंस गए। अब महल नीलाम हो रहा है, लाख सवा लाख में बोली हो जाएगी। क्या इतना भी नहीं है तेरे पास? इतना गाड़ी जा रही है। नजरिया तिमारी मरी मरी गुइया, नजरिया तिमारी मरी मरी गुइया। ये लो गुलाबी महल मुबारक हो। मैंने सारी बातें तय कर ली है। कल से साहिबजान उन्हीं के साथ गुलाबी महल में रहेगी और जब तक शहाबुद्दीन का खतरा न टल जाए वो गौहर जान की ही भांजी कहलाएगी। Thank you.
कौन है ये? आग है हुजूर, आग। जी हाँ हुजूर, आजकल सारे शहर को ये आग लगी हुई है। लेकिन अभी तक हमारे दामन को तो नहीं लगी? लग तो गई है, रात तक भड़क भी जाएगी। क्या जूता चलाया साहब? आइए इधर तशरीफ रखिए। नवाब ज़ादा जाफर अली खान साहब शैदा, रईस आजम पानीपत। तस्लीम अर्ज करती हूँ। अरे भाई जरा देखना क्या देर है। जी अच्छा।
क्या वजह होगा? कोई 3 बजने वाले हैं। जा तू सो जा।
महल आया था, आपके पांव देखे, बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। आपका एक हम सफर। दोनों हाथों से समेट लीजिए, बड़ा मन चला रही से, जिस पेखे पे चढ़ जाता है उसकी सीढ़ियां सोने की बन जाती है। खास आपके शौक की चीज है, कहीं मेरे मुंह से निकल गया था कि हमारी साहिबजान को चूड़ियों का बहुत शौक है, चुरा के भेज दी, अनमोल है, बाकायदा गाती है। अच्छा सुनिए। अजी ये चिड़िया नहीं है, ये तो हमारी लाडली आपा है। बदतमीज, छोटा मुंह बड़ी बात, क्या तू उसके बराबर की है? ना मुराद, क्या बात है आपा, आखिर ये उसकी बड़ी बहन है। जाए खाता में लगता है। बस अब आपसे क्या कहना है, आप तो खुद घाट घाट का पानी पिए हुए हैं। जी कुछ कहने की जरूरत नहीं, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। Thank you.
है वो आ गए। कौन? नवाब साहब। तशरीफ रखिए। क्या बात है, आज महफिल नहीं है? है तो सही, लेकिन लोग आए नहीं। शायद कल के वाकये की वजह से। हाँ शायद, लेकिन हजूर इसका ख्याल क्यों करते हैं? लोग नहीं आए तो ना सही, सितारों की रात से एक चांदनी रात में तो कहीं ज्यादा रौनक हो। खुदा क्या सही मिसाल दी है आपने। अब हाँ सच ही तो है। जा बुला ले। और सुन, अपनी संगत के लिए शतन को भी आवाज दे लेना। ये बड़ी बुढ़ियों से सुना था कि खानदानी रईस नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते। देखा नहीं था, वो कल देख लिया। शुक्रिया, मैं पान नहीं खाता। वो बात मुझे याद आ गई। वो बात तो आइए सुन लो। आदाब अर्ज करते। आदाब। मिजाज तो अच्छा है? इनायत है। लोगों ने आपकी जान का सदका तो उतारा, लेकिन किसी ने आपकी नजर भी उतारी? जरूर उतरवा लीजिएगा, हमारी नजर आपको लग जाएगी। रह गई है वही थमके रह गई है मेरी।
हाँ बनवा लें। ले दे। कम्बा जा निकाल अंदर से। अंदर से ये
आपके पांव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। हमसे तो आती नहीं, चलिए। कौन? साहिबजान। कब आई? अभी। ये क्या साहिबजान खड़ी है? कहो, अच्छे तो हो? हाँ, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। अरे भाई, कभी कभार इधर भी निकल आया करो। आऊंगी किसी दिन। सुनो भाई, हमें तुमसे एक काम था। क्या काम था? कल हम एक मुजरे में जा रहे हैं, कल बस एक दिन के लिए तुम्हारी तकदीर हमें चाहिए, परसों लौटा देंगे। हाँ हाँ, जरूर ले जाना, फिर चाहे वापस भी मत करना। पान खाओगी? जी नहीं। ये तो वही पुराने हैं, मैं समझी नवाब ने बख्शे हैं। हाय, इस वक्त अगर मैं कुछ और मांगती तो वो भी मिल जाता। सच्ची, अभी मैं तुझे याद ही कर रही थी। सुना है रात, एक ही गजल में सारी रात गुजार दी, और बेचारा नवाब अपनी ही भेजी हुई कालीन में सिल गया। मेरे तो कान पकते हैं जिक्र से। क्या कुछ परेशान है तू? हाँ, कुछ ऐसी बात है। क्या? वो पर्दे छोड़ दे जरा। क्या बात है? बहुत दिनों से मुझे ऐसा कुछ लगता है जैसे मैं बदलती जा रही हूँ, जैसे मैं किसी अनजाने सफर में हूँ और कहीं जा रही हूँ। सब कुछ छूटा जा रहा है, साहिबजान भी मुझसे छूट रही है, और मैं साहिबजान से दूर होती जा रही हूँ। कौन है ये? कौन? यही जिसे मैं पूछ रही हूँ। बता। क्या बताऊँ कौन है, एक अजीब वाकया है। क्या? ये हर रात 3 बजे एक रेलगाड़ी अपनी पटरियों से उतरकर मेरे दिल से गुजरती है और मुझे एक पैगाम दे जाती है। क्या?
साहिब जान, ये पैगाम तेरे लिए नहीं है। क्या? नहीं नहीं, ये मेरे ही लिए है। इसे मैंने अपने ही पाँव में रखा हुआ पाया था। हाँ, लेकिन उस वक्त तेरे पाँव में घुंघरू बंधे हुए नहीं होंगे। अगर घुंघरू बंधे हुए होते तो ये कैसे कोई कहता कि इन पाँव को जमीन पे मत रखना, मैले हो जाएंगे। मेरी जान, ये पैगाम तो है लेकिन भटक गया है। और आज रात उनकी दावत है, शाम को मैं हाजिर होऊंगा और उनको ले जाऊंगा। अच्छी बात है। कहां से आ रही हो? बिब्बन के यहां गई थी। यहां तो आओ, देखो अगन मियां क्या लाए हैं। आती हूं। मैं तो बहुत थक गई। क्या कह दे, मैं बहुत थक गई हूँ। अच्छा, साहिबजान, ये पैगाम तेरे लिए नहीं है। से बैठो। ये क्या बात है? क्या ऐसी क्यों नजर आती हो, जैसे तुम साहिब जान नहीं कुछ और हो? मगर आपने तो मुझे इसी नाम के साथ खरीदा है। हाँ, खरीदा तो था मगर नुकसान हो गया। दिल कहता है जैसे तुम कोई चुराई हुई चीज हो जिसे खरीदना जुर्म है। उधर क्या देखने लगी? एक अर्ज है। इस गुफ्तगू को बदल दीजिए। अच्छा, मगर इधर तो देखो। वो गजल तुम्हें याद है? कौन सी? जिसे सुनकर मुसाफिर अपना रास्ता भूल जाते हैं। यूं कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते। याद है। क्यों ही कोई मिल गया था सरे राह चलते 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 चलते।
क्या हुआ? ये क्या? सामने क्या है भाई? सामने हाथी आ रहे हैं। क्या है? सामने हाथी से क्या? रात है और मैं सफर में हूं। मेरे सिवा कंपार्टमेंट में और कोई नहीं, लेकिन उस सामने वाली बर्थ पर मेरी एक सुहानी याद फिर करवट बदल रही है और मेहंदी से रचा हुआ वही हसीन पांव मुझे आज भी बार बार डस रहा है। ये क्या है? इस कैफियत का नाम क्या है? Ah, 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 ah
वो मेरे पास खड़े हैं और मेरी जान निकली जा रही है। आप यूं ही हैरान हैरान मुझे देखते रहेंगे, मैं तरसते तरसते बिना आपको एक नजर देखे मर जाऊंगी। आप ही के सामने, आप ही के बिस्तर पर खत्म हो जाऊंगी। जरा मुंह फेर लीजिए, कुछ तो मोहलत दे दीजिए, मैं एक सांस ले लूं, एक झलक आपकी देख लूं। इतना अजीब वाक्या है जैसे कोई कहानी सुना रहा हो। तस्लीम जी नहीं, इस तरह आपको यहां देखकर कितना हैरान हूं मैं। इस जंगल में, इस दूर दराज जजीरे पर, मेरे इस खैमे की तन्हाई में कौन बसा गया है आपको? कुछ तो कहिए, आप कौन हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम? आपने जवाब नहीं दिया। मैं कौन हूं और कैसे यहां आ गई हूं, मुझे कुछ याद नहीं। ये रात मुझे दीवाना बना देगी। मैं आपको कुछ याद दिलाऊं, शायद आपकी डूबी हुई यादों में से कोई याद उभर आए। बरसात की एक रात थी, आप रेल में सफर कर रही थी, मैं इत्तेफाक से आपके कंपार्टमेंट में चला आया। आप सो रही थी, आप सोती रही, मगर आपके पांव जाग उठे और मेरे होश हवास से खेलने लगे। आपके इन्हीं पांवों के लिए मेरी एक अर्जी आपको अपने कदमों में रखी हुई मिली होगी, आपने उसे पढ़ा होगा। याद कीजिए, आपके पांव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। साहिबजान, ये पैगाम तेरे लिए नहीं है। क्या? नहीं नहीं, ये मेरे ही लिए है, इसे मैंने अपने ही पाँव में रखा हुआ पाया था। हाँ, लेकिन उस वक्त तेरे पाँव में घुंघरू बंधे हुए नहीं होंगे। याद आया आपको?
सुनिए। जी मैं कुछ देर के लिए आपसे दूर जा रहा हूँ। कहाँ? ज्यादा दूर नहीं, वो सामने नदी के पार, लेकिन वहां पहुंचकर मैं अपना अर्दली यहाँ भेज दूंगा। मेरे लौटने तक वो आपकी देखभाल करेगा। आप कब तक लौटेंगे? रात होने से पहले लौट आऊंगा। रात होने से पहले जरूर लौट आइएगा। जरूर लौट आऊंगा। आप कुछ कहने वाली थी? रात होने से पहले जरूर लौट आइएगा। जरूर। गफ्फार देखो किसी तरह भी इसी वक्त तो हमारे खेमे पर चले जाओ, वहां हमारे मेहमान आए हुए हैं और खाने पीने का सामान भी अपने साथ लेते जाना। देखो जब तक हम खेमे पर लौटे नहीं तो वहीं रहना। बहुत अच्छा। देखिए वो तो नहीं है। हाँ हाँ वही है। अल्लाह तेरा शुक्र है। लीजिए साहब हम आ गए, सूरज अभी डूबा नहीं। सरकार यहाँ तो कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? कुछ कहने वाली थी। रात होने से पहले जरूर लौट आइएगा। जरूर लौट आऊंगा।
क्या कहने हैं खान साहब, क्या चीज शुरू कराई है। वाह भाई बिस्मिल साहब, आज हम बेचारों की खैर नहीं, बस यूं समझ लीजिए कि कयामत आने वाली है। जी हाँ, लेकिन कब आएगी ये जरा साहिब जान से पूछकर हमें खबर कर दीजिए। देखा खान साहब, मैं ना कहती थी मुजरा उस वक्त तक न रखिए जब तक बुखार बिल्कुल ना उतर जाए। अब इस वक्त भी इसका पिंडा गर्म है। अरे कैसे मुजरा करेगी। हाँ, खाम खान हजरात को तकलीफ हुई। चलिए गनी साहब, दिल की मजबूरी में क्या शय है कि दर से अपने उसने 100 बार उठाया तो मैं 100 बार आया। लीजिए हमारी तरफ से साहब जान की जान का सदका उतार दीजिए। अरे तू मुझे पहचानी नहीं, मैं ठेकेदार हूं। बात सुनो, मुझे बुलाया गया है, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो। अजीब बात है, ¶¶
क्या हुआ गार्ड साहब? शायद कोई गाड़ी के नीचे आ गया। ओह माय गॉड, वाकई सच्ची बात है। जाको राके साइयां मार सकते पीछे लो। अल्लाह का करम हो गया भाई। वो तो सही है, लेकिन इंजन ड्राइवर ने भी कमाल किया। कहाँ रोका है? हाँ दो इंजन। हाँ बिल्कुल कमाल किया तो कमाल। दो साले गिरी कहाँ गुम हो गई थी तुम? न जाने मैं कहाँ भटकती फिरती हूँ। मुझे कुछ होश नहीं। आप ही आप कभी आप मुझे मिल जाते हैं, कभी बिछड़ जाते हैं। न जाने ये मेरा ख्वाब है या मैं पागल हो गई हूँ। मालूम नहीं कब ये ख्वाब टूट जाएगा और किस वीरानी में मेरी आंख खुलेगी। कहां मुझे होश आएगा? जहां भी तुम्हें होश आएगा, मेरी आंखें तुम्हें देख रही होंगी और मेरी ही आंखों में तुम्हारे इस ख्वाब की ताबीर होगी। चुप रहो, नहीं तो पिट जाओगे सुबह सुबह मेरे हाथ से। रसूलन, ए बुआ आप ले गया। आदाब बड़ी अम्मा। अम्मा आदाब। तो सलाम। जीते रहो। आप बैठ जाइए। कितने हैरान हैं सब लोग। हाँ हैरान तो हैं हम लोग, इसलिए कि ये कौन है मेरे साथ। हाँ ये कौन है? ये कौन है मैं भी नहीं जानता। ये एक मजलूम लड़की है जो अपनी याददाश्त खो चुकी है। यहाँ आओ बेटी। किसी अच्छे घर के लगती है बेचारी, इसलिए तो मैं इन्हें यहाँ ले आया हूँ। और जब तक इन्हें याद ना आ जाए कि ये कौन है, ये हमारे यहाँ ही रहेंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं। क्यों पापा? चल अच्छा अब नाश्ता कर। करता हूँ बढ़िया। मज़ा मुआ तो धो लूँ। उठ नाजुक, चल जरा मुआ धुला। अच्छी मियाँ, अब आप अपनी मेहतरानी को कड़ी कब पहना रहे हैं? अरे तू ब्याह तो कर, तुझे कड़े ही कड़े पहनवा दूंगा। मैंने तो अपना कर लिया, आपके इंतजार में कब तक बैठी रहती। दुल्हन तो छांटी लाए हैं, अब आप भी अपना कर लीजिए। चल हट बेहया। अम्मा बड़े अब्बा कहाँ हैं? तुम्हारे चाचा को लेने हैदराबाद गए हैं। हैदराबाद? हाँ। वो हाँ सरकारी दवाखाने में बीमार पड़ा है। अरे इसमें रोने की क्या बात है, अब तो घर आने वाले हैं, उनके आने की खुशी में महफिल महफिल हो जाए। अरे रोते नहीं है, अब तो आने वाले हैं, बड़े अब्बा लेकर आ रहे हैं हैदराबाद से। मेरी अम्मा
दरवाजा खोलो। कौन है? हम हैं। अम्मा आदाब। मेरे चांद, मेरे लाल। बजमी, जीबा, मामू जान आ गए। भाभी तस्लीम। सलामत रहो। आदाब मामू जान। जीती रहो। जीती रहो, जीती रहो। नाजुक है ना? जी हाँ। बहुत जल्दी बड़ी हो गई। आदाब चाचा जान। जीती रहो। बेटी तुम जरा खाने का इंतजाम करो। चाचा जान। अच्छा, तस्लीम चाचा जानी। बहुत मुझे यहाँ आके पता चला कि आप हैदराबाद में थे। जीते रहो, खुश अच्छे तो है आप। कौन है? इन्हें सलाम करो। जीती रहो। तुम्हारी दुल्हन है? नहीं, आरिफ की दुल्हन है। अच्छा, आरिफ की शादी हो गई? शादी करना ही पड़ी। तुम्हें बहुत तलाश किया मगर तुम्हारी खबर ही ना मिली। अच्छा ही किया, मुबारक हो। तुम्हारी भी शादी हो गई? इनकी कैसे हो सकती है, ये तो जब तक खुद कोई लड़की पसंद नहीं करेंगे शादी ही नहीं करेंगे। भाई कर लो पसंद, हमें तुम्हारा चेहरा देखने का बहुत अरमान है और अब हमारी जिंदगी का कोई भरोसा भी नहीं है। ये क्या कह रहे हैं चाचा जान, अभी तो आप बरसा बरस जिएंगे। खैर, तुम कोई लड़की पसंद कर लो तो अच्छा है। चाचा जानी, अच्छे भाई तो पसंद कर लाए हैं। अच्छा, वो बैठी है। बैठ इधर। कौन? तस्लीम बड़े अब्बा। कब आए तुम? मैं भी आज ही आया। बैठो। कौन है वो लड़की? वो मेरे साथ है। जाओ लड़कियों, तुम लोग जाओ। सलीम जी, वो कौन है? वो एक गुमनाम लड़की है। तो वो तुम्हारे साथ है? जी। यानी ये कौन है मैं भी नहीं जानता। ये एक मजलूम लड़की है जो अपनी याददाश्त खो चुकी है और इत्तेफाकन मेरी पनाह में आ गई है। लेकिन तुम्हारे इस बयान पर कौन यकीन करेगा? मुझे इसकी परवाह नहीं। तुम्हें नहीं लेकिन हमें इसकी परवाह। जो लोग दूर से जल जाते हैं वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं। अफसोस के लोग दूध से भी जल जाते हैं। क्या तुम हमसे बहस करना चाहते हो? हमसे बहस करने की जरूरत नहीं। ऐसी लड़की जिसका कोई नाम नहीं, पता नहीं, वो क्यों तुम्हारे साथ?
इसलिए कि वो मेरी पनाह में है और ये कोई गुनाह नहीं। गुनाह तो नहीं, लेकिन इसमें हमारी बदनामी है। जी नहीं, इसमें आपकी कोई बदनामी नहीं। अगर इसमें कोई बदनामी है तो मेरी है। तुम कौन हो? क्या तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं? जी है, लेकिन मेरे इस मामले से आपका कोई ताल्लुक नहीं। हमारा कोई ताल्लुक नहीं? अगर हमारा कोई ताल्लुक नहीं तो फिर तुम अपनी ये बदनामी हमारे घर क्यों ले आए हो? बेशक मुझसे गलती हुई, मैं भूल ही गया था। इस घर के इंसानों को हर सांस के बाद दूसरे सांस के लिए भी आपसे इजाजत लेना पड़ती है, और आपकी औलाद खुदा की बनाई हुई जमीन पर नहीं चलती, आपकी हथेली पर रेंगती है। चलो यहां से। ये किसी दलदल पर कोहरे से बनी हुई हवेली है जो किसी को पना नहीं दे सकती। ये बड़ी खतरनाक जगह है। सलीम! 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 हेलो सलीम! तुम शायद हमेशा के लिए अपने आप को भूल चुकी हो, और अब मुझे यकीन हो चुका है कि तुम कोई नहीं हो, सिर्फ मेरी तकदीर हो। उधर देखो, सारा आलम तुम्हारे कदमों पर झुका हुआ है और ये सब तुम्हें सलाम कर रही है। लल्ला, चुप हो जाइए, इतने प्यार से मेरी जान मत लीजिए। मैं इकरार किए लेती हूँ, मुझे सब याद है, मैं क्या हूँ, कौन हूँ। कौन हो तुम? कौन हो? मैं बेकसूर हूँ। आपने ये जुल्म ढाया था, आप आए, आपने खत लिखा, और फिर कभी आपने मुझे चैन से सोने नहीं दिए। हर रात आप मुझे पुकारते हुए गुजरते रहे, हर रोज मेरी रूह मेरे बदन से खींचती रही। दूर ही दूर मैं आपकी हसरत में डूब कर मर जाती, मगर आपने मुझे डूबने भी नहीं दिया। मैं भाग जाती, लेकिन आपके खेमे ने मुझे घेर लिया। आप आ गए और आपके दिल की धड़कनों ने मुझे ये कहने भी नहीं दिया कि मैं एक तवाब हूँ। चलो चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। Thank you.
चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम भी तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम हैं तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम भी तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम भी तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो तैयार चलो मियां जरा तांगा रोकना एक सेहरा बना दीजिए सेहरा हाँ अच्छा सरकार तशरीफ रखिए जरा शानदार बनाइएगा साहिबजान यानी तुम मुझे पहचान नहीं रही हो बहुत खूब मगर इतनी बेरुखी क्या कि सलाम तक नहीं है कौन साहब हैं आप अच्छा तो ये आपके साथ है ए! इधर जी हजूर कौन है तू फादर इन्हें हमारा नाम बताओ सरदार हाशिम खान नहीं जनाब अब तो आपको भी अपना नाम बताना पड़ेगा मैं यहां एक अजनबी हूं और एक शरीफ आदमी हूं चलो मियां तांगा बढ़ाओ कौन है ये किस किस का नाम पूछेंगे आप हाँ
मतलब क्या है आपका? मुझे आपका नाम पूछना है। मियाँ जरा टांगा रोकना, जरा इन्हें अपना नाम बता दूं। आप मेरा नाम पूछ रहे थे ना, उतरिए नीचे। छोड़ दीजिए लगाम, छोड़ दीजिए। सलीम अहमद खान। आप क्या करते हैं? मैंने पूछा है आप क्या करते हैं? ये बताना क्या जरूरी है? जरूरी है। मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूं। हवलदार तुम जाओ। आप जैसे बारूदबाज शख्स का ऐसे मामले में थाने में आना अच्छा नहीं लगा, बड़े अफसोस की बात है। खैर आप जा सकते हैं। हाशिम खान साहब को भेजो। सलीम, तुम मुझे जहां भी ले जाओगे मेरी बदनामी मुझे ढूंढ ही लेगी। मेरा ये दुश्मन आसमान कहीं हद नहीं होगा। तुम मुझे कहाँ छिपाने लिए जा रहे हो? वहां जहां तुम्हारा आसमान खत्म हो जाता है। सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए। मैं इनसे निकाह करने आया हूँ। हजरात जरा इस निकाह में शरीक हो जाइए। और आपका क्या नाम है? अरे ये तो कोई कायम है। इनका नाम पाकीज़ा है। पाकीज़ा, आपको बैवर मुबलिग 101 रुपया मेहरे मुअज्जल पर सलीम अहमद खान वलद वहाब अहमद खान से अपना निकाह कबूल है? पाकीज़ा, आपको बैवर मुबलिग 101 रुपया मेहरे मुअज्जल पर सलीम अहमद खान वलद वहाब अहमद खान से अपना निकाह कबूल है? हाँ कहो। आप खामोश रहिए, मुझी को पूछने दीजिए। पाकीज़ा बेटी, आपसे मैं आखिरी बार सवाल करता हूँ, शर्माइए नहीं, हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। आपको कई वक्त मुझे 101 रुपया मेहरे मुअज्जल पर सलीम अहमद खान वलद वहाब अहमद खान से अपना निकाह कबूल है? नहीं, नहीं।
क्या साहिबजान आ गए? जी आ गई। आवारा लाश अपने इस गुलाबी मकबरे में दफन हो जाने के लिए लौट आई। हट, कैसी लाश? हाँ बिब्बू, हर तवायफ एक लाश है, मैं भी एक लाश हूँ और तू भी। हमारा ये बाजार एक कब्रिस्तान है ऐसी औरतों का, जिनकी रूहें मर जाती हैं और जिस्म जिंदा रहते हैं। ये हमारे बाला खाने और कोठे हमारे मकबरे हैं, जिनमें हम मुर्दा औरतों के जिंदा जनाजे सजा कर रख दिए जाते हैं। हमारी कब्रें पार्टी नहीं जाती, खुली छोड़ दी जाती हैं ताकि चुप हो जा। मैं ऐसी ही खुली हुई कब्र की एक बेसब्र लाश हूं, जिसे बार बार जिंदगी बरगला कर भागा ले जाती है। लेकिन अब मैं अपनी सावार की और जिंदगी की इस धोखेबाजी से बेजार हो गई हूँ, थक गई हूँ। साहिबा, ये हुआ क्या? क्या उसने तुझे ठुकरा दिया? नहीं, मैं उन्हें छोड़ आई। मैं उन्हें एक बहुत घिनौना घाव देकर उनके दिल की जन्नत से निकल आई। क्यों? मैं डर गई। उसकी जमीन न जाने कैसी थी कि जहां जहां मैं पांव रखती थी वो वहीं वहीं से धंस जाती थी। देखना बिब्बन, वो पतंग कितनी मिलती जुलती है मुझसे, मेरे ही तरह कटी हुई नम्रात कमबख्त। साहिब जान,
ये साहिब तुम्हारे लिए किसी सलीम अहमद का खत लाए। साहिब जान, इस महीने की 26 तारीख को तुम्हें भूल जाने की रस्म मैं बड़ी धूमधाम से मना रहा हूं। यही दिन मेरी शादी का भी ठहरा है। इस मुबारक मौके पर तुमसे एक मुजरे की फरमाइश है, क्योंकि सुना है नाचने गाने में तुम दूर दूर तक मशहूर हो, तुम्हारा एक शनासा सलीम। वो पांव जो मेरे दिल में छुपे रहते थे, आज उन्हें मैं सबके सामने नाचता हुआ देखूंगा। क्या देख सकूंगा?
अपनी बेआबरूई का ये तमाशा देखो। ये तुम्हारी ही आबरू है जो तुम्हारी सारी बरादरी के सामने तुम्हारे ही घर के आंगन में नाच रही है। ये तुम्हारी ही गैरत का खून है, तुम्हारी बेटी का खून जिस पर तुम्हारा पांव रखा हुआ है। मेरी बेटी का खून, मेरी बेटी, मेरे बाबा। देखा उस मजलूम औरत का लहू आज क्या रंग लाया है, जिसके दाग तुम्हारी आस्तीनों पर सूख गए थे। क्या बक रही है तू? ये इल्जाम लगाकर तू हमें बदनाम नहीं कर सकती। ये इल्जाम नहीं है हकीम साहब, ये तुम फिरौनों के गुरूर की सजा है। शहाबुद्दीन, पहचानो इसे। हट जाओ शहाबुद्दीन, हट जाओ। चाचा जानी, चाचा जानी, चाचा जानी, चाचा जानी, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? सलीम जी, मेरी बेटी है। नहीं शहाबुद्दीन, ये अभी तक सिर्फ नरगिस की बेटी है, ये उस वक्त तक तुम्हारी बेटी नहीं कहलाई जा सकती जब तक एक बार हाथ इसे ब्याहने नहीं आएगी और तुम मेरे कोठे से इसका डोला नहीं उठवाओगे। मैं बारात लेकर जाऊंगा चाचा जानी, मेरी बारात वहां जाएगी। अपने साथ जरूर ले जाना, बहरहाल ले जाना, अपने बारात के साथ। चाचा जानी, आप बारात के साथ जाएंगे, डोला आप ही के हाथों से उठेगा। चाचा जानी, मैं यकीन दिला रहा हूँ आपको, आप जरूर जाएंगे बारात के साथ, आपके हाथों से ही डोला उठेगा। चाचा जानी, जरूर जरूर चाचा जानी, जरूर। Thank you.
ये निकाह आपको मंजूर है? जी। بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها شاب الدين اپنی بیٹی کو لکشت کرو رخصت کرو شاب الدین رخصت کرو ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا خدا حافظ.